हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है सरेंडर योरसेल्फ टू कल्कि अवतार एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कीजिए कल्कि अवतार के सामने और फिर जो मिरेकल होगा आपकी लाइफ में उसे आप खुद फील करेंगे। किस प्रकार आपकी लाइफ चेंज होती है इसे आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन ये समर्पित करने की भावना, ये समर्पण की भावना, सरेंडर हो जाने की भावना, क्या इतना आसान है? क्यों मैं ये कह रही हूँ, यही आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँगी मीराबाई का। मीराबाई जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी और इस तरह से जुड़ी हुई थी कि हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण ही नज़र आते थे। यानी सब लोगों को श्री कृष्ण नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो इस कदर उनके अंदर समर्पण की भावना थी कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। और यदि कोई न चाहे और यदि कोई चाहे कि उन्हें देखना श्री कृष्ण को कि कहाँ है, तो वो दिखाती थी कि देखो सामने हैं, लेकिन साधारण मानव उन्हें देख नहीं पाता था। लेकिन मीराबाई की आंखें श्री कृष्ण को देख लेती थी। उनके साथ ही वो कहती थी कि वो खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हर चीज़ उनके साथ ही होती है, जो सबके लिए अविश्वसनीय थी, लेकिन विश्वसनीय थी वो बातें सिर्फ मीराबाई के लिए। कहते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में अपने जीवन के अंतिम पलों को उन्होंने गुजारा। और द्वारकाधीश में जो आज कृष्ण की मूर्ति है, सन 1560 में कहते हैं लोगों की नज़रों के सामने से देखते ही देखते मीराबाई स्वयं उस मूर्ति में समा गई थी और लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। ऐसी थी मीराबाई की साधना, जिन्हें अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। उनके पति ने भी एक बार फूलों की टोकरी में उनको आजमाने के लिए सांप रखकर भेजा था उन्हें बिना बताए। लेकिन जब फूलों की टोकरी में मीराबाई ने हाथ डाला और फूलों को निकाला, तो उसके अंदर से जो सांप था वो बन गया था श्री कृष्ण की। यानी श्री कृष्ण को एक मीराबाई को एक श्री कृष्ण की मूर्ति मिली उस फूलों की टोकरी से। कहते हैं जहर का प्याला जो उनके पति ने उनके लिए भेजा, उन्हें भी वो हंसते हंसते पी गई। तो यदि हम और आप भी समर्पण की भावना रखते हैं कल्कि अवतार के प्रति, तभी हम उनसे जुड़ पाएंगे। लेकिन ये समर्पण की भावना कैसे करें? सबसे पहले कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई संशय आपके मन में कल्कि अवतार के लिए नहीं रहना चाहिए। आप अच्छा या बुरा, पाप पुण्य, इन सब से बाहर निकलकर क्या सही क्या गलत, क्या अन्याय क्या न्याय, इन सब को सिरे से खारिज कर दीजिए और अपने आप को आप भगवान के हवाले कीजिए कि हे ईश्वर, आज से अभी से मैंने अपने आप को आपके हवाले किया। अब जो कुछ मेरे जीवन में घटित होगा, हम समझेंगे कि वो आपकी वजह से ही हो रहा है। अब मेरा जीवन आपके हाथों, आप ही इसके रक्षक हैं और आप किस तरह से इसे रक्षा करते हैं वो आप देखिए। अब आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है, कुछ भी मैं संशय नहीं रखता हूँ या रखती हूँ, और पूरी तरह से मैं अपने जीवन को आपको सौंप देता हूँ या सौंप देती हूँ। आप देखिएगा, आपको टाइम टू टाइम ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे कल्कि अवतार के द्वारा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में आप कल्कि अवतार से जुड़ गए हैं, ईश्वर से जुड़ गए हैं। आपके अंदर डिवाइन पावर धीरे धीरे डेवलप होगी और हर अच्छी या बुरी चीज़ उसका इंडिकेशन आप देखेंगे, आपको किसी ना किसी साइंस के माध्यम से, किसी सिग्नल के माध्यम से आपको वो चीज़ें मिलने लगी हैं। तो आपको साइन, आपको सिग्नल कल्कि अवतार के टाइम टू टाइम मिलने लगेंगे यदि आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बिना किसी दुविधा के मन में कोई द्वंद्व आपके नहीं चलना चाहिए कि मैं जुड़ पाऊंगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं। ये जो हम लोग के मन में संशय है, ये तभी होता है या भय की भावना तभी होती है जब हम भगवान से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो यदि आप वर्ल्डली डिज़ायर से डिटैच होकर भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आपको यकीन मानिए उस चेंजेस को फील करने का मौका मिलेगा जिसे कहते हैं आत्मिक आनंद। वो स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में एंटर कर जाएगी जिसमें आपको असीम आनंद मिलेगा। गीता में
भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में श्री कृष्ण भगवान का ये उपदेश है अर्जुन के लिए और पूरे संसार के लिए कि इस दुनिया में ना मुझे कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, लेकिन जो मुझसे जुड़ना चाहता है मैं हमेशा उससे जुड़ता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। यूँ तो रक्षा मैं पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन देखने वालों की नज़रें मुझे पहचान जाती हैं, ना देखने वाले मुझे एंड तक नहीं जान पाते हैं। तो जो देखने वालों की नज़रें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर खोजी नज़रें नहीं बल्कि उस डिवाइन एनर्जी को फील करने की नज़रें रखिए और महसूस कीजिए कि आप जुड़ चुके हैं कल की अवतार के साथ। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही रचा जा रहा है। सारी घटनाएं हर पल की, आप ये इस बात का विश्वास रखिए कि 24/7 आप कल की अवतार के अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं। तो जो कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपके द्वारा नहीं है बल्कि भगवान द्वारा दिया गया वो कार्य है जिनको आप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी मीराबाई की तरह, द्रौपदी की तरह अपने आप को उनके हवाले कर देंगे, आपके जीवन में आप महसूस करेंगे उस असीम आनंद को जिसके लिए आज दुनिया तड़प रही है। यकीन मानिए, पैसा, रुपया, बंगला, गाड़ी, पावर, पोजीशन आपको वो आत्मिक सुख नहीं दे पाएगी जो ईश्वर की भक्ति में है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर से अहंकार, आपके अंदर से क्रोध और आपके अंदर से स्वार्थ, रिवेंज, किसी से बदला लेने की भावना, ये सारी चीज़ें जब निकल जाएंगी आप डेफिनेटली अपने आप को सरेंडर कर पाएंगे। तो कीजिए अपने आप को कल के अवतार के हवाले समर्पित कीजिए और देखिए क्या मिरेकल आपके साथ भी होता है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपके जीवन में भी कुछ आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।